हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th कक्षा 12 का विषय पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान की जो आपकी पुस्तक ए है, जिसका नाम है राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं, उस पुस्तक की इकाई एक प्रमुख अवधारणाएं का अध्याय चौथा, जिसका नाम है स्वतंत्रता और समानता। बच्चों, इस पाठ के इस अध्याय के कुछ टॉपिक्स हम पार्ट वन में पढ़ चुके हैं और इसके कुछ जो टॉपिक्स बच गए हैं वो हम पार्ट टू में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ। स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं, हम स्वतंत्रता की परिभाषाएं और उसके बहुत सारे टॉपिक्स पार्ट वन में पढ़ चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें। तो क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? तो व्यक्तियों की जागरूकता होनी चाहिए। तो स्वतंत्रता के लिए क्या, व्यक्तियों को जागरूक होना चाहिए। नागरिक निडरता एवं साहस होना चाहिए। सामाजिक लोकतांत्रिक भावनाएं होनी चाहिए। वर्ग विशेष को विशेषाधिकार का अभाव। निष्पक्ष वैधानिक शासन होना चाहिए, यानी कि किसी के पक्ष में ना हो, यानी किसी शक्तिशाली व्यक्ति के पक्ष में ना हो। मतलब वह शासन या वैधानिक शासन इस प्रकार का होना चाहिए कि वह शक्तिशाली और शक्ति इनके लिए एक जैसा ही पेश आए। प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। निष्पक्ष जनमत होना चाहिए। समाज में शांति व सुरक्षा का वातावरण होना चाहिए। और स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, यानी न्यायपालिका वो जो है वो किसी के दबाव में अपने फैसले ना सुनाए, वह स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्रता के मार्ग में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? अब हम देखेंगे कि जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, उसके मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं प्रमुख है या फिर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का अभाव है। और क्या होता है बच्चे, जो पर्सनल फ्रीडम होती है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, उसके प्रति जागरूकता का अभाव है, यानी कि लोग अवेयर नहीं हैं। अशिक्षा, यानी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। गरीबी और संसाधनों का अभाव, यानी कि गरीबी है और संसाधनों का अभाव है, यानी कि गरीबी है, बेरोजगारी है, जिससे कि लोगों का जीवन स्तर बहुत गिरा हुआ है और संसाधनों का भी अभाव है। न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप, और जो न्यायपालिका होती है उसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप है। संविधान में कानूनों के प्रति सम्मान का अभाव, और जो हमारे संविधान में जो कानून बने हुए हैं या जो उसके जो लिखित कानून है उनके प्रति लोगों में, उन लोगों के मन में सम्मान का अभाव है। अराजकता का वातावरण, और अराजकता का वातावरण है। कार्यपालिका का स्वेच्छाकारी आचरण, और कार्यपालिका का स्वेच्छाकारी आचरण। बच्चों, कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? कार्यपालिका में जो पुलिस वाले, जो हमारी व्यवस्था होती है, वो आते हैं। तो उन लोगों का क्या है, वो अपने हिसाब से कानून चलाते हैं, लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो उनका स्वेच्छाकारी आचरण क्या है, स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा है। राष्ट्र विरोधी तत्व तथा आतंकवाद, और राष्ट्र विरोधी तत्व और आतंकवाद जो है वो क्या है, स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा है या प्रॉब्लम है। अब हम देखेंगे समानता। तो सबसे पहले देखेंगे कि समानता होती क्या है, यानी कि इक्वेलिटी। समानता की मांग हमेशा से ही प्रचलित विषमताओं के विरुद्ध एक नारे के रूप में रही है, यानी कि समानता है जो, इक्वलिटी, उसकी मांग हमेशा से ही प्रचलित विषमताओं के विरुद्ध एक नारे के रूप में रही है। समानता की अवधारणा विशेषाधिकार प्रथा के विरुद्ध अस्तित्व में आई है। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान ही उत्पन्न किया है। पश्चिम में प्राचीन यूनानी एवं रोमन व्यवस्थाएं मूलतः विषमता मूलक थी। समानता की बात भी नागरिकों के विशेष वर्ग के लिए होती थी, यानी कि पहले के ज़माने में क्या होता था बच्चों, कि जैसे कोई बड़े पैसे वाले हैं या फिर उच्च जाति के जो लोग हैं वो क्या करते थे, मतलब उन्हीं को इज्जत दी जाती थी समाज में। और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, गरीब जो लोग हैं या फिर जिनकी जाति निम्न जाति के हैं, SC ST वर्ग के होते हैं, उनके साथ भेदभाव होता था, यानी कि जो इज्जत सम्मान दिया जाता था वो मतलब क्या, शक्तिशाली और उच्च जाति के लोगों को ही दी जाती थी। समाज का एक बहुसंख्यक वर्ग, दास, औरतें, बच्चे इस सिद्धांत में नहीं आते थे। और समाज का एक बहुसंख्यक वर्ग, यानी कि बहुत सारी संख्याओं का एक वर्ग, दास के रूप में आता था, जिसमें मतलब लोग है ना क्या करते थे, अपने घरों में जो गरीब बच्चे होते थे या फिर गरीब औरतें या फिर जो गरीब व्यक्ति होते थे उनके घर पर अपने उनको क्या करते थे, अपने घर में दास बना लेते थे और अपने सारे काम उनसे करवाते थे और उन्हें सही या उचित मजदूरी भी नहीं देते थे।
वास्तविक समानता की मांग आधुनिक युग की मांग है, और वास्तविक समानता की मांग, वास्तविक इक्वलिटी की मांग क्या है? आधुनिक युग की मांग है, यानी कि आज के समय में आधुनिक ये जो इक्वलिटी है वो एक आज के युग की मांग है, रिक्वायरमेंट है। मानव अधिकार घोषणा पत्र में लिखा है मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं और वे अपने अधिकारों के विषय में भी स्वतंत्र और समान रहते हैं। यानी कि मानव अधिकार घोषणा पत्र है उसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य मतलब मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, हमारे नाक कान सब कुछ एक जैसा ऐसा होता है, हमारी शरीर की आकृति एक जैसी होती है, फिर भी जाति लिंग और धर्म के आधार पर क्या होता है? भेदभाव होता है, तो वो गलत है। और वे अपने अधिकारों के विषय में भी स्वतंत्र और समान रहते हैं, यानी कि मनुष्य की मनुष्य बिल्कुल एक जैसा है, कोई जाति कोई किसी के चेहरे पे ही नहीं लिखा होता कि वो किस जाति का है, फिर भी उसके साथ भेदभाव उससे जाति के बारे में जब उसे पता चल जाता है तो लोग एक दूसरे की जाति से भेदभाव करते हैं, तो ये गलत है। और वे अपनी जाति अपने अधिकारों के विषय में भी स्वतंत्र और समान रहते हैं, अगर वो पैदा एक समान हुए हैं तो वे अपनी जाति और धर्म या लिंग के अधिकारों के विषय में भी स्वतंत्र और समान रहते हैं। समानता का अर्थ क्या होता है, यानी कि बच्चों इक्वलिटी का मीन क्या है? समानता उस परिस्थिति का नाम है, यानी कि जो इक्वलिटी है उस सिचुएशन का नाम है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को अपने अस्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि यह एक ऐसी सिचुएशन है, इक्वलिटी एक ऐसी सिचुएशन है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को अपने अस्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो, यानी कि अवसरों में ये नहीं देखा जाए, उसको अवसर देते समय ये ना देखा जाए कि यह किस जाति का है, यह निम्न जाति का है या उच्च जाति का है, यह गरीब है या अमीर है, या फिर इसकी इसमें ये औरत है या आदमी है, इसका धर्म कौन सा है, या धर्म के नाम पर इसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, यानी कि उसे समान अवसर प्राप्त हो सकते हैं। उदारवादी अवसर की समानता पर जोर देते हैं, और जो उदारवादी है वो अवसर की समानता पर जोर देते हैं, तो समाजवादी फल की समानता पर जोर देते हैं। समानता के प्रकार, टाइप्स ऑफ इक्वेलिटी, तो हम देखेंगे कि समानता के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले होता है नागरिक समानता, राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार एवं कर्तव्य का निर्धारण किया गया हो, यानी कि राज्य के सभी यानी कि राज्य में निवास कर रहे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए एवं उनके कर्तव्य का निर्धारण किया गया हो। यानी कि मान लो कोई राज्य में बहुत सारे नागरिक रहते हैं तो उनको ये अधिकार है कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार हो, कोई किसी के साथ उच्च अगर कोई उच्च जाति का है तो वो निम्न जाति के लोगों के साथ गलत व्यवहार ना करे और उनके साथ कोई गलत अपराध ना करे, और सभी के मतलब कर्तव्यों का निर्धारण किया गया हो जिससे आम नागरिक के मन में राज्य के प्रति विश्वास की भावना कायम रहे। और जिससे क्या होगा, मान लो अगर कोई राज्य में सभी नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, एक समान व्यवहार हो रहा है, तो नागरिकों के मन में क्या होगा, राज्य के प्रति विश्वास की भावना कायम रहेगी। भारतीय संविधान में समानता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है, और हमारा जो संविधान है यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें समानता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है, यानी कि वह संविधान में भी वर्णित है। तो ये हमने देखा नागरिक समानता। अब हम देखते हैं राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता ही प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान, निर्वाचन एवं कानून निर्माण में समानता देना राजनीतिक समानता है। यानी राजनीतिक समानता में क्या आता है कि राज्य में निवास कर रहे सभी नागरिकों को, चाहे से वे उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, या वह किसी भी लिंग का हो, यानी कि वह औरत हो या आदमी हो या अन्य लिंग का हो या किसी भी धर्म का हो, उसे समान रूप से यानी सभी की तरह मतदान करने का अधिकार होना चाहिए, उसके साथ मतदान में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, निर्वाचन एवं कानून निर्माण में भी समानता देना ही क्या है, राजनीतिक समानता है। समानता के बारे में विभिन्न विद्वानों के विचार, और समानता के बारे में क्या हुआ है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने विचार दिए हैं। लास्की, जो अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को नागरिक होने का कारण प्राप्त होता है वही समान मात्रा में मुझे भी प्राप्त होना चाहिए। और लास्की कहते हैं, ये एक विद्वान है, वो कहते हैं कि जो अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को नागरिक होने के कारण प्राप्त होता है, यानी कि जो अधिकार हमें एक नागरिक यानी किसी देश में क्या होता है, नागरिकों को अधिकार प्राप्त होते हैं, तो वही अधिकार मुझे समान मात्रा में प्राप्त होने चाहिए, और अगर मैं वहाँ का नागरिक हूँ तो मुझे वहाँ के अधिकार समान मात्रा में प्राप्त होने चाहिए, यानी कि मुझे मुझसे कोई भेदभाव ना करे, जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो मेरे साथ, तो लॉस्की कहते हैं। अब देखते हैं डायसी क्या कहते हैं। हमारे देश का प्रत्येक नागरिक समान है, और डायसी जो है वो कहते हैं कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक समान है, यानी कि अगर वह उच्च जाति का है, निम्न जाति का है, तो उनमें कोई भेदभाव नहीं है, वह दोनों ही
समान है, सभी के लिए समान कानून हो, और सभी के लिए क्या क्या होना चाहिए, समान कानून होने चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि मान लो किसी निम्न जाति के वर्ग के इंसान ने अगर कोई अपराध कर दिया तो उसे सजा मिल जाए, लेकिन अगर कोई उच्च जाति का वर्ग का व्यक्ति अगर कोई अपराध कर देता है तो उसे सजा ना मिले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो चाहे से वह निम्न जाति का हो चाहे से वह उच्च जाति का हो, उसके साथ उसको समान उसको उसको मतलब समान सजा मिलनी चाहिए, या फिर उसे समान अगर कोई अच्छा व्यक्ति है और कोई अच्छे अच्छे काम कर रहा है तो उसे समान ही सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर निम्न जाति का वर्ग का व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे सम्मान न दिया जाए, तो ये गलत है। सभी के लिए कानून समान होने चाहिए। प्रधानमंत्री से लेकर आम नागरिक तक अनैतिक कार्यों के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। और प्रधानमंत्री से अगर मान लो कोई जैसे किसी देश का प्रधानमंत्री अगर वो भी गलत काम कर देता है ना, तो उसे उसी व्यक्ति की तरह सजा देना चाहिए जैसे कि अगर जैसे कोई आम नागरिक गलत काम कर दे, गलत अपराध कर दे तो उसे वो सजा देंगे ना, तो उसी प्रकार की सजा अगर कोई प्रधानमंत्री अपराध कर देता है तो उसे भी वही सजा देनी चाहिए। यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऊंचा आदमी या कोई अमीर व्यक्ति या धनवान व्यक्ति शक्तिशाली व्यक्ति कोई गलत काम कर देता है तो उसे भी सजा के प्रावधान है। ऐसा ही नहीं है कि गरीब निर्बल व्यक्ति को ही या सजा दी जाए। अब हम देखेंगे सामाजिक समानता। सामाजिक दृष्टि से जाति धर्म लिंग नस्ल के आधार पर भेदभाव न किया जाना, समाज में विकास के समान अवसर प्राप्त होना। और क्या है सामाजिक समानता में, क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ चाहे वह किसी भी जाति का हो, उसका कोई सा भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम ईसाई, वह किसी भी धर्म का हो, लिंग वह स्त्री पुरुष या फिर अन्य किसी जाति का हो, नस्ल के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और समाज में विकास के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। पहले के ज़माने में क्या होता था बच्चों की है ना, लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता था, तो ये एक भेदभाव है क्योंकि वो भी आगे बढ़ सकती है, तो हमें क्या करना चाहिए चाहे स्त्री हो या पुरुष उसे उसे सभी विकास के अवसर प्रदान करने चाहिए या उन्हें अवसर प्राप्त होने चाहिए। प्राकृतिक समानता। अब हम देखेंगे कि प्राकृतिक समानता क्या होती है। प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए मनुष्य को समान मानना, वही क्या है प्राकृतिक समानता है। इस अवधारणा के प्रतिपादक कहते हैं कि प्रकृति ने सभी को समान बनाया है। इस मत में अनेक विभिन्नताएं हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि प्रकृति से सभी मनुष्य समान नहीं होते हैं, मनुष्य के गुण योग्यता क्षमता शक्ति प्रतिभा विचार समान नहीं होते। और प्राकृतिक समानता क्या होती है कि समान की प्रकृति, किसी व्यक्ति की प्रकृति कैसी भी हो, उसमें किसी भी प्रकार के गुण हो, लेकिन उसे समान मतलब उसके साथ उन गुणों के आधार पर, उन कमियों के आधार पर भी उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि किसी व्यक्ति की, कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई बिल्कुल डफर हो सकता है, किसी की मतलब शारीरिक कोई बहुत सुंदर हो सकता है, किसी का रंग काला हो सकता है, किसी का गोरा हो सकता है, तो मतलब उसमें जो प्रकृति ने उसे दिया है उनके उन पर उनके लिए हम उनसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे आर्थिक समानता। समानताओं को आधार देने वाली समानता, यानी कि समानताओं को आधार देने वाली समानता वो क्या है आर्थिक समानता है। आर्थिक समानता के अभाव में अन्य समानताएं निरर्थक है। और आर्थिक समानता के अभाव में क्या होता है, अगर आर्थिक समानता लोगों में नहीं है, इसके तौर पर लोग आर्थिक समानता के को आधार बनाकर लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं तो सारी समानताएं क्या है निरर्थक है, यानी कि उनका कोई अर्थ नहीं रह जा रहा। इस समानता का अर्थ है व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास के समान शुभ अवसर प्राप्त प्रदान करना। यानी कि व्यक्ति को सभी अवसर प्रदान होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो कोई व्यक्ति है उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, सब कुछ है, तो वही बिजनेस चला सकता है, वही व्यापार कर सकता है, वही सब कुछ कर सकता है। यानी कि किसी व्यक्ति जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या उसके पास कम धन है तो वह भी उसके पास भी अवसर है या फिर उसे भी मौके दिए जाने चाहिए कि वह भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सके। सांस्कृतिक समानता। अब हम देखेंगे कि सांस्कृतिक समानता क्या होती है। राज्य द्वारा अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक वर्ग को समानता प्रदान करना। व्यक्ति या संप्रदाय को अपनी संस्कृति भाषा नीति एवं सामाजिक परिवेश के संरक्षण के समुचित अवसर प्रदान करना। तो सांस्कृतिक समानता में क्या आता है बच्चों कि किसी भी व्यक्ति से उसकी संस्कृति उसकी भाषा नीति या सामाजिक परिवेश को लेकर उसके साथ भेदभाव ना किया जाए। यानी कि मान लो किसी व्यक्ति की भाषा दूसरी है तो उसे लेकर मजाक ना उड़ाया जाए, उसकी भाषा या उसके रहन सहन या उसके वस्त्रों को देखकर उसके साथ मजाक ना उड़ाया जाए या उसके साथ उसे उसकी भाषा या उसके संस्कृति के को आधार बनाकर उसके साथ भेदभाव ना किया जाए। तो ये काय में आता है सांस्कृतिक समानता में आता है।
अब हम देखेंगे बच्चों कानूनी समानता क्या होती है। कानूनी समानता के बल पर ही प्रजातंत्र में सामाजिक राजनीतिक विषमताओं का उन्मूलन किया जा सकता है। सभी के लिए कानून व्यवस्था होनी चाहिए, अवसर की समानता। अब हम दूसरा क्या आती है हमारी समानता, अवसर की समानता। कानूनी समानता में हमने क्या देखा कि कानूनी समानता के बल पर प्रजातंत्र में सामाजिक राजनीतिक का उन्मूलन किया जा सकता है। क्या होता है बच्चों कानूनी समानता में क्या होता है कि जैसे कोई शक्तिशाली वर्ग है ना तो वो शक्तिहीन वर्ग पर हावी हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को मतलब कानूनी अधिकार या उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, सबको अपने अधिकारों को अधिकार मिलने चाहिए, सभी के लिए समान कानून व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम देखते हैं अवसर की समानता। राज्य द्वारा जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, नस्ल के आधार पर भेदभाव किए बिना नागरिकों को अपने विकास के समुचित अवसर प्रदान करना, यानी राज्य को क्या चाहिए कि वह किसी भी व्यक्ति से जाति, वर्ग, लिंग, वर्ग, नस्ल के आधार पर भेदभाव किए बिना नागरिकों को अपने विकास के समुचित अवसर प्रदान करे। अब हम देखेंगे बच्चों हमारी क्या है आखिरी समानता, जिसका नाम क्या है, शिक्षा की समानता। बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाना, यानी कि बिना किसी भेदभाव के, यानी वो किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, तो उसके साथ क्या भेदभाव नहीं करना और उसे शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना, ये क्या है, शिक्षा की समानता है। अत्यंत पिछड़े वर्गों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उचित सुविधाएं प्रदान करना, और जो कमजोर वर्ग होते हैं जैसे कि निम्न जाति के वर्ग होते हैं वो शिक्षा जानते ही नहीं है या अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, तो उन्हें भी क्या करता है करना चाहिए, राज्य का क्या करना चाहिए उनके लिए, पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उसे उन्हें उन वर्गों तक उचित सुविधाओं को पहुँचाना चाहिए या शिक्षा के महत्व को उन्हें समझाना चाहिए और उन्हें कम दर पर या फिर कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से शिक्षा उन तक पहुंचानी चाहिए। स्वतंत्रता और समानता में परस्पर संबंध है। अब हम देखेंगे बच्चों कि स्वतंत्रता और समानता के तुलनात्मक अध्ययन में दो तरह के विचार मिलते हैं। तो क्या होता है स्वतंत्रता और समानता की तुलना में क्या होता है, दो तरह के विचार मिलते हैं, कोई तो इसके परस्पर विरोधी, यानी कि समानता और स्वतंत्रता के क्या है कुछ लोग तो परस्पर विरोधी है, तो वो किस प्रकार की अपनी आलोचना करते हैं वो हम देखेंगे। लॉर्ड एक्टन स्वीकार करते हैं कि समानता के आवेश से स्वतंत्रता प्रभावित हो जाती है, यानी कि स्वतंत्रता के आवेश से क्या होता है स्वतंत्रता प्रतिबंधित हो जाती है। उनके अनुसार असमानता तो प्रकृति में ही निहित है, और उनके अनुसार क्या होता है असमानता तो प्रकृति में ही निहित होती है, अतः योग अयोग में समानता स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है। तो लॉर्ड एक्टन मानते हैं कि मतलब व्यक्तियों में क्या होता है समानता तो प्रकृति में ही निहित होती है, मतलब प्रकृति ही इंसान के अंदर आती है, और योग अयोग में समानता स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है। अब दूसरा जो विचार जो वो देखेंगे, कई लोग मानते हैं या कई विचार मतलब कई विद्वान मानते हैं, कई विचारक मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता में परस्पर पूरक है, यानी जो समानता और स्वतंत्रता है वो एक दूसरे के परस्पर पूरक है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इस मत के समर्थक रूसो, पोलार्ड, महात्मा गांधी और हर्बर्ट डीन हैं। रूसो के अनुसार समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती है, यानी कि रूसो कहते हैं कि समानता के बिना क्या है स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती है। पोलार्ड के अनुसार स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान समानता में निहित है, और महात्मा गांधी ने कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं है अपितु व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं की प्राप्ति है। हर्बर्ट डीन इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, स्वतंत्रता समानता में निहित होती है, यानी कि जो स्वतंत्रता है फ्रीडम है वो इक्वलिटी में निहित होती है। स्वतंत्रता समानता में परस्पर कोई द्वंद्व नहीं है और न ही यह एक दूसरे से पृथक है, वरन एक ही आदर्श के दो तथ्य है। तो बच्चों इस पाठ में हमने पढ़ा स्वतंत्रता और समानता। अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।